हेलो दोस्तों, मैं नाम सिद्धार्थ सिन्हा है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि बैंकिंग एग्ज़ाम में आज की डेट में जो रीजनिंग है, उस रीजनिंग में आपको 4-5 पजल आ रहे हैं और 45 क्वेश्चंस। तो मीन्स पजल्स का वैल्यू है, पजल्स का वैल्यू अगर हम 35 क्वेश्चंस बनाएंगे और उसमें से अगर 4 से 5 क्वेश्चन पजल के होंगे और एक क्वेश्चन का सेट होता है 5 क्वेश्चन होते हैं, एक पजल जो होगा वो 5 क्वेश्चन का होगा। अगर 4 into 5 हो गया 20 क्वेश्चन, 5 into 5 हो गया 25 क्वेश्चन पजल पजल के, तो काफ़ी बड़ा सेक्शन होता है, ठीक है। तो हमें इस पर थोड़ा कमांड करेंगे, ठीक है। तो एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखेंगे, समझेंगे इसको किस तरीके से रीजनिंग ट्रिक्स पजल कैसे बना सकते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, ए डीलर सोल्ड 6 कार ए बी सी डी एंड एफ ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ मंडे टू सैटरडे, ठीक है, 1 कार ऑन ईच डे। कहने का मतलब है कि 6 कार वो बेचता है ए बी सी डी ई और एफ के नाम पे, मंडे से सैटरडे तक, यानी मंडे से सोमवार से शनिवार तक हर दिन एक कार वो बेच रहा है। आप जब भी पढ़ेंगे तो 5 के 5 जो सेट है पूरा पढ़ लेंगे, क्योंकि क्या होता है कभी यहाँ से स्टार्ट करना पड़ता है, कभी यहाँ से पॉइंट मिलता है, ऐसा नहीं कि पहले से पॉइंट मिले, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 5 पॉइंट्स दिया, 5 पॉइंट्स पढ़ लेते हैं। पहला पॉइंट क्या बोलता है, द कार सी वाज सोल्ड एट लीस्ट बिफोर 3 कार्स, मतलब क्या है, सी कार सोल्ड हुआ है और उससे मतलब सी कार सोल्ड हुआ है और वो 3 कार के सोल्ड होने से पहले से खरीदा गया है, मतलब बेचा गया है, ठीक है। 3 कार के मतलब उसके बाद क्या बोलना है, देखिए थ्री द कार सी वॉज सोल्ड एट लीस्ट बिफोर 3 कार्स, मतलब इनके बाद में 3 कार बेचा गया, इसका मतलब ये हुआ सी कार को किसी आदमी ने बेचा है, उसके बाद भी 3 कार बेचे गए, ठीक है, सोल्ड एट लीस्ट बिफोर द 3 कार्स, ठीक है, 3 कार से उसके बाद भी 3 कार बेचे गए, इसका मतलब ये हुआ। थोड़ा सा जो आपको ग्रामर है या फिर इसको बोलेंगे लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्टेड रहता है, या ये मत समझिए कि 3 कार पहले खरीदा हुआ है, यहाँ ये बोल रहा है कि 3 कार इसके बाद बेचे गए हैं सी के बाद, ठीक है। एफ क्या बोलना चाह रहा है, द कार एफ वाज सोल्ड ऑन ट्यूजडे, तो क्लियर हो गया। बोथ द कार्स बी एंड ई वे सोल्ड एट लीस्ट बिफोर द 1 कार, बोलना चाह रहा है दोनों कार जो है बी और ई बेचे गए हैं कार एट लीस्ट बिफोर 1 कार, मतलब इनसे इनके बाद भी एक गाड़ी बेची गई है, ठीक है, इनके बाद भी एक गाड़ी बेची गई है। द कार डी वॉज सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर कार सी, डी के बाद डी जो कार था वो तुरंत सी के बाद खरीदा गया है, मतलब बेचा गया, सॉरी सी कार बेचा उसके तुरंत बाद डी कार बेचा गया। एट लीस्ट 4 कार्स वर सोल्ड आफ्टर द कार ई, 4 कार बेचे गए हैं आपके ई कार के बाद, ठीक है, लिखा एट लीस्ट 4 कार्स वर सोल्ड आफ्टर द कार ई, ठीक है, ये हो गया पूरा आपका स्टेटमेंट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो पहले हम लोग क्या लिखेंगे, मंडे, देन ट्यूसडे, देन वेडनेसडे, देन थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे, 6 दिन है, क्लियर हो गया। सी वाला क्या बोल रहा है, पहला पॉइंट, कार सी वाज सोल्ड एट लीस्ट बिफोर द 3 कार्स, कम से कम 3 गाड़ी उसके बाद बेची गई, तो 1 2 3 ये कार 3 कार हो गया, 1 2 3, ठीक है, यानी सी यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है और यहाँ हो सकता है, राइट, सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है, सी यहाँ हो सकता है फिलहाल, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, कार एफ वाज सोल्ड ऑन ट्यूसडे, तो यहाँ पे कार एफ हो गया, ये खत्म हो गया, सी मंडे हो चाहे वेडनेसडे हो, क्लियर हो रहा है, इन तीनों दिन तो कार सी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि क्या बोल रहा है कि कार सी को बेचा गया है और उनके बाद 3 कार बेचे गए हैं, तो 1 2 3 इसलिए क्रॉस मार्क लगा है, अब यहाँ पर समझाने के लिए लगा है, कॉपी में लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आगे आइए, बोथ द कार्स बी एंड ई, आप इसको लगा लो, इजी रहेगा समझने में, लगा लो, ठीक है, बोथ द कार्स बी एंड ई वेर सोल्ड एट लीस्ट बिफोर 1 कार, बी और ई दोनों कार जो है एक कार उनके बाद बेचा गया है, डी कार वर सोल्ड इमीडिएटली आफ्टर सी, ठीक है, इमीडिएटली आफ्टर सी, और सी ऊपर होगा तो यहाँ डी होना चाहिए, बट एफ है यहाँ नहीं होगा, तो यहाँ पे यहाँ नहीं गया, तो डी यहाँ होगा, यानी सी का पोजीशन कंफर्म हो गया, ये उसके जस्ट नीचे डी हो गया, सी यहाँ होगा तो उसके बाद इमीडिएटली डी होना चाहिए था, तो यहाँ एफ है यहाँ नहीं होगा, सी यहाँ पे उसके बाद डी होगा यानी यहाँ होगा, ठीक है, अब इसकी जरूरत ही नहीं है।
आप क्या बोल रहे हैं, एटलीस्ट फोर कार्स वर सोल्ड आफ्टर द कार ई, ई के बाद जो ई कार है उसका चार कार बेची गई है, ऐसा कौन सा जगह एटलीस्ट है, एटलीस्ट कम से कम, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, कम से कम मिनिमम, यानी अगर कहा होना चाहिए कार ही चार कार बचा जाए तो 1 2 3 4, या तो ई यहाँ हो या तो ई यहाँ हो, पर ई का पोजीशन ऑलरेडी यहाँ पे एफ ऑक्यूपाई किए हुए तो यहाँ हो नहीं सकता है, ठीक है, यानी ई यहाँ होगा, राइट, क्लियर हो गया, बहुत इजी था। और एक फोर्थ पॉइंट क्या बोल रहा है, डी कार वाज, सॉरी थर्ड पॉइंट क्या है, बी ए डी दोनों कार जो है एटलीस्ट वन कार बिफोर है, मतलब क्या है सोल्ड एटलीस्ट बिफोर वन कार, मतलब इनके बाद भी एक कार बेची गई है, ठीक है, तो ऐसा कौन सा है, ई तो ठीक है भाई, एटलीस्ट बोल रहा है एक कार के बाद, ई तो एक के बाद कई कार बेची गई है, बी यहाँ हो जाएगा, बी के बाद एक कार बेचा जा रहा है, ठीक है, अब ये जगह बच गया तो कौन सा बच गया, ए हो गया, इस तरीके से आपका अरेंजमेंट हो गया। बहुत असाधारण सा क्वेश्चन था ये, मतलब आसान क्वेश्चन था, ऑर्डिनरी क्वेश्चन था, इजी क्वेश्चन था, ठीक है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। अब तो ये एक बार बन गया तो ये हमको आसानी से बन जाएगा, कुछ भी नहीं है, पहले मंडी ट्यूजडे वेडनेसडे लिख लीजिए, उसके बाद इसको मार्किंग करिए, आराम से बन जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हाउ मेनी कार्स वेर सोल्ड आफ्टर द कार डी, डी कहाँ है यहाँ, आफ्टर द कार डी 1 2, ठीक है, हाउ मेनी कार्स वेर सोल्ड बिफोर द कार एफ, बिफोर द कार एफ, बिफोर कार एफ, कार एफ से पहले देखिए कार सोल्ड हुआ ई, द कार ए वॉज सोल्ड इमिडिएटली आफ्टर, कार ए जो है किसके बाद सोल्ड हुआ है, तो बी के बाद, ओके, बी के बाद, बी का कौन से दिन फॉल कर रहा है, फ्राइडे, ठीक है, कार ए कुछ ना, कार ए वॉज सोल्ड इमिडिएटली आफ्टर, किसके आफ्टर, बी के आफ्टर, बी कौन से दिन है, फ्राइडे के दिन। फिर बोल रहा है इफ घोष, इफ घोष बाबू इज द पर्सन who purchased the car sold on Wednesday, then the car purchased by him is, क्या बोलना चाह रहा है, घोष बाबू जो है वो ऐसे पर्सन है जिन्होंने कार परचेज किया है, ठीक है, और सोल्ड हुआ वेडनेसडे को, then the car purchased by him is, ओके, घोष बाबू पर्सन है जिन्होंने कार परचेज किया है ऑन वेडनेसडे, वेडनेसडे को परचेज हुआ, then the car purchased by him, वेडनेसडे को कार कौन परचेज हुआ, सी, क्योंकि ये सब क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं, इसमें कुछ खास नहीं रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवन स्टेटमेंट्स इज आर डिडक्टेड टू आंसर द अबव क्वेश्चंस, ठीक है, ओनली 5, बोथ 3 एंड 4, बोथ 1 एंड 4, नेम नन ऑफ दिस, ऑल ऑफ दिस, कहने का मतलब कौन सा गिवन स्टेटमेंट डिडक्टेड, डिडक्टेड, डिडक्टेड का मतलब क्या होता है, नो यूज, नो यूज ऑफ, कोई काम का नहीं, राइट, ओनली 5th, ओनली 3rd एंड 4th, ओनली 1st एंड 4th, नन ऑफ दिस एंड ऑल ऑफ दिस, तो यहां क्या लगा, यहां सारे के सारे स्टेटमेंट का हमने यूज किया है, राइट, यह हमने सारे के सारे स्टेटमेंट को यूज किया है, तो इसके मतलब क्या हो गया, ऑल ऑफ दिस रिक्वायर्ड है हमको, ठीक है, इस तरीके से आपका पूरा सॉल्व हो गया। ज़्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, अगर आपको कुछ कुछ भी फर्दर इंफॉर्मेशन चाहिए रिगार्डिंग, आपको लगता है कि और कुछ कोर्सेज वगैरह करना चाहते हैं आप, तो वेबसाइट में आप विजिट कर सकते हैं, बैंक व्यू का कोर्स स्टार्ट होता है ₹1000 से, ज्यादा जानकारी के लिए वेबसाइट में विजिट करिए, ठीक है, ये वेबसाइट हो गया, या फिर कॉल करिए, कॉल अस 4x9685127 पे, दूसरा नंबर है 7827546946 Thank you.